तो एक तरफ जहां कांझावला का मामला और दूसरी तरफ वजीराबाद का मामला। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं गौरव, जो कि वजीराबाद को लेकर जानकारी देंगे। निदा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं और नमित भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कांझावला को लेकर जानकारी दे। लेकिन सबसे पहले गौरव, ठीक कांझावला जैसा मामला ही लगभग नजर आता है, लेकिन पुलिस की थेरेपी अगर हम देखें, पुलिस की अगर कार्यशैली हम देखें, तो इस पर अब भी सवाल उठ रहे हैं वजीराबाद के मामले को लेकर भी। क्या है ये पूरा मामला गौरव? बिल्कुल, देखिए अंशिका, अगर बात करें वजीराबाद वाले इस पूरे मामले की, तो ये तकरीबन 8 दिन पुराना मामला हो चुका है। और इस पूरे मामले में भी आपसी रंजिश पुलिस ने करार दिया है। एक रिंकू की जो हत्या की गई, परिवार का कहना है कि रिंकू को पहले बुलाया गया घर से, और बुलाने के बाद यमुना के पुल के तरफ लेके गए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बाद में जब परिवार को पता चला, परिवार स्पॉट पे पहुंचता है, तो पुलिस जो है परिवार के साथ दबाव बनाती है और FIR जो है वो मेंशन जरूर किया जाता है। इस पूरे घटना में FIR जरूर हुई है, लेकिन पुलिस ने दो जगहों पर जो परिवार है उस पर दबाव बनाया। एक, किसी भी चश्मदीद का इसमें बयान नहीं लिया गया है। दूसरा, रिंकू को जो जहाँ पे घटनास्थल पे रिंकू का पार्थिव शरीर मिला, उस जगह पर किसी प्रकार से ना तो बाइक पर किसी स्क्रैच के निशान थे, ना ही वहाँ कोई एक्सीडेंट की तरह लग रहा था मामला। परिवार मेरे साथ मौजूद है, सीधे रिंकू के भाई से बातचीत करता हूँ। ये बताइए कि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस जो है आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, आप कह रहे हैं, और आपके भाई की हत्या हुई, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में रोड एक्सीडेंट बता रही है। पुलिस हम पे दबाव बना रही है कि देखो कंजावरा में एक लड़की कांड सीसीटीवी को एक्सीडेंट बता रही थी। ये सीन मेरे भाई के साथ है, कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, ठीक है, तो इसको रोड एक्सीडेंट बता रहे हैं। लेकिन ये मेरे भाई का मर्डर है, मैं गवाहों के नाम बता रहा हूँ, जो चश्मदीद गवाह है उन्होंने हमें बताया है कि हम बयान देने को तैयार है, लेकिन पुलिस बयान सुनने को तैयार नहीं है, हमारे ना उनके, कह रही है मेरा काम है, मैं अपने आप पूछेंगे पुलिस, और आई हमें फटकार के भगा देता है थाने से, कहता है जाओ भागो, ना तो अब तक उसका फोन मिला है और ना ही कुछ डिटेल निकाली है, हमें पुलिस ना हमारी बात सुन रही है, सिर्फ हम पे दबाव बना रही है। दबाव बना के मेरे भाई का पार्थिव शरीर रात को 9 बजे जलवा दिया, मतलब अंतिम संस्कार भी जबरन करवाया गया। आपके भाई के इस हत्या में जो जो लोग शामिल थे, अभी वो कहाँ फरार हैं, कहाँ भागे हैं वो लोग? क्या जब आप लोग मौके पर पहुंचे, जो बाइक मिली, उस पूरे घटनास्थल को आप लोगों ने देखा, आप बता रहे थे आपके भाई के शरीर पर चोटों के निशान थे, बाइक कहीं से टूटी नहीं हुई थी, वो पुलिस स्टेशन में हमने भी उस बाइक को देखा है कि स्क्रैच तक उस पे नहीं आया, तो ये हुआ क्या आपके भाई के साथ? ये गौरव, देखिए जहां तक कि परिजन बता रहे हैं कि हत्या की गई है, हमारे पास गवाह भी हैं, लेकिन पुलिस उनका बयान नहीं ले रही है। अब ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस चीज का इंतजार दिल्ली पुलिस कर रही है, आखिर दिल्ली पुलिस को चाहिए क्या, जब यहाँ पर हर चीज रेडी है, जब यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि हत्या की गई है, उनके पास गवाह भी है, तो क्यों इस तरीके की हरकतें दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आ रही है? देखिए अंशिका, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल ये पूरा जो मामला है, इसमें जिस गुलफाम का नाम लिया जा रहा है, दरअसल गुलफाम के साथ तमाम लोग हैं जो लगातार इस परिवार के साथ पहले लड़ाई झगड़े करते थे, उसके बाद से लगातार इनको डराने धमकाने की कोशिशें की जाती थी, और उसके बाद जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसमें जब परिवार वालों ने गुलफाम का नाम लिया, तो पुलिस लगातार पहले उनसे पूछताछ करने के बजाय इस पूरे मामले में परिवार का ऐसा कहना है और FIR में इस चीज को मेंशन किया गया है कि ये एक रोड एक्सीडेंट है। हालांकि परिवार ने उस फोटो जो तस्वीरें हैं वो भी न्यूज इंडिया के कैमरे पे दिखाई थी कि जो चेहरे पर पंच के निशान थे, सर पे चोट लगी हुई थी, घटनास्थल पर खुद मैं मौजूद था जब ये पूरी घटना हो गई थी, उस जगह मैं गया था, मैंने भी देखा था कि कहीं किसी प्रकार का कोई भी जो बाइक थी ना उस पर स्क्रैच के निशान थे, ना किसी प्रकार की कहीं कोई लड़ाई झगड़े जैसी बात उस जगह पर दिखाई दे रही थी। हालांकि परिवार का ये कहना कि कांझावला में जो घटना हुई है, उस घटना पर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से झूठ बोल गई थी कि एक रोड रेंज का मामला है, बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, अब जो रिंकू का परिवार है वो
व्यवहार कर रहा है कि पूरी घटना को दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बता रही है, ये ऐसी घटना नहीं है, रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि रिंकू की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद एक सोची समझी साजिश के साथ उसके पार्थिव शरीर को पुल पर लाके रख दिया जाता है और परिवार को कहा जाता है कि रिंकू का रोड एक्सीडेंट हुआ है। इस पूरी घटना में परिवार जो है न्याय की अपील लगातार कर रहा है। अंशिका, बिल्कुल न्याय की अपील तो कर रहा है, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है गौरव, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी इस मामले में। अब आते हैं कंझावला के मामले पर। निदा, आप वहां गई थी, होटल के पास आप गई थी, आपने वहां पर लोगों से बातचीत भी की होगी, उनका क्या कहना था, क्या उस वक्त कोई वहां पर था जब ये लोग बाहर निकल रहे थे? हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि दोनों लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, दोनों हाथापाई कर रही हैं। क्या होटल के बाहर सिर्फ एक ही कैमरा लगा था उस पूरे रास्ते में? क्या एक कैमरे के अलावा और कोई कैमरा नहीं था? और अगर था तो उसके फुटेज अभी तक क्यों नहीं मिले किसी को? अंशिका, सबसे बड़ी बात जो है वो मैं बताऊं, जिस सीसीटीवी फुटेज का आप जिक्र कर रही है ना, वो सीसीटीवी फुटेज जो है जो पुलिस जारी कर रही है वो कहानी कुछ और बयां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे, न्यूज़ इंडिया ने खंगाले, वो कहानी को दूसरा एंगल देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको हम बताएं कि जिस ओयो होटल पर हम गए, जिसमें अंजलि को दिखाया गया कि अंजलि अपनी सहेली के साथ वहां से स्कूटी पर बातचीत करती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद में अंजलि जो है वो वहां से आगे की तरफ मूव कर जाती है, बढ़ जाती है। हमने उन रास्तों को भी खंगाला, हमने वो मैप निकाला जहां पर कहा जा रहा था कि अंजलि की स्कूटी मिली। हमें जो रास्ता दिखाया गया वो सिर्फ 9 मिनट का रास्ता था, जहां से अंजलि को होटल से वो रास्ता तय करना था। लेकिन जब हम पहुंचे तो हम दिन में भी वहां पर जब पहुंचे तो हमें ज्यादा ज्यादा 5 से 6 मिनट का वक्त लगा। लेकिन वहां जाकर के जो सीसीटीवी के फुटेज पुलिस ने दूसरे दिखाए और दिखाया, उसमें पुलिस दिखाने की ये कोशिश करती रही उसमें कि इधर से स्कूटी आती है, उधर से बोलेनो आती है। लेकिन हम जब पहुंचे, हमने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की तहकीकात की, हमने जो वहां पर पाया वो बहुत हैरान करने वाला था अंशिका। वो दरअसल ये, क्योंकि वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज में हमें अंजलि की सहेली ठीक रात के 2:31 पर बिल्कुल सही सलामत उस सुनसान इलाके से गुजरती हुई जाती हुई दिख रही है। मतलब रात के 2:30 तक अंजलि बिल्कुल महफूज थी, अंजलि बिल्कुल सेफ थी। अंजलि की सहेली जो साथ में पीछे बैठी हुई थी वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आ रही है। दोनों सहेलियां धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेफ्ट टर्न लेती है। लेकिन उसी सीसीटीवी फुटेज में ठीक 1 घंटे बाद पुलिस की एक बड़ी सी गाड़ी नजर आती है, और जिसमें कई पुलिस वाले होते हैं, और वो भी ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में अंजलि अपनी स्कूटी लेकर के अपनी सहेली के साथ जाती है। और उससे बड़ी बात यह, ठीक 5 मिनट के फासले से वही उनमें से कुछ पुलिस वाले जो होते हैं वो आते हैं, और आने के बाद में वो वहां पर चेक कर रहे होते हैं कि यहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। ये सारी फुटेज न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव है, न्यूज इंडिया एक एक फुटेज आपको दिखाएगा और बताएगा आपको कि पुलिस की जो थ्योरी है वो किस तरफ इशारा कर रही है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज न्यूज इंडिया के हाथ लगे है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। मतलब आप ये समझिए, 2:31 पर अंधेरी सुनसान गली में एक लड़की अपनी सहेली के साथ बिल्कुल महफूज नजर आती है, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। ठीक 1 घंटे बाद वो बुरी हालत में खबर मिलती है कि उसको घसीटा गया 14 किलोमीटर तक। आखिर इसे 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उसके साथ इतनी बर्बरता हो गई? 1 घंटे में अंजलि जो बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही थी यहाँ पर, वो कैसे 14 किलोमीटर दूर मिल जाती है? उससे बड़ी बात यह कि रात के वक्त पुलिस उस गली में अगर थी तो पुलिस क्या कर रही थी? बहुत एक्सक्लूसिव बात बता रही है, जानकारी दे रही है, तस्वीर भी दिखा रही है आप। नमित, देखिए उसे 1 घंटे में क्या हुआ ये हर कोई जानना चाहता है, और जानने के नाम पे जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो 2 मिनट में अपनी बात कहकर चली जाती है, और कहती वही है जो लोगों को ऑलरेडी पता है कि अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि थी। क्या ये बात हमें नहीं पता? क्या ये दिल्ली पुलिस को नहीं बताना चाहिए था कि वहां पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वो आरोपी कौन है जिनको पुलिस अभी अपने पास रखी है, वो कहां के रहने वाले हैं, या उस होटल के बारे में दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं बताया? क्या जानकारी नमित आपके पास? देखिए बिल्कुल अंशिका, जब दोपहर 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, उस वक्त सबको इंतज़ार था कि जो अनसुलझे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस देगी, लेकिन महज 2 से 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें किसी भी मीडियाकर्मी के सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जाहिर तौर पर अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि दिल्ली पुलिस छुपा रही है, क्योंकि उस इलाके के लोग भी यही कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरी गली की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूँ, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर जो मृतका का पार्थिव शरीर है वो पहुँचने वाला है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है
वो यहाँ पर एक्टिव हो गई है। पूरी गली को जो है एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के जो लोग हैं उनको इस गली में ना आने की हिदायत दी गई है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ना बिगड़े। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो जरूर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लड़की की नानी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। रोड के दूसरी तरफ भी दिखा दूँ क्योंकि यहाँ से महज 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही मृतका का घर है। ये करण विहार इलाका है और यहाँ पर देखिए दूर आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो दिल्ली पुलिस के सीनियर आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने देखा चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी चीफ हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा भी कई पॉलिटिकल लीडर्स का आना यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन अब जो है इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है डेड बॉडी को निकले हुए अस्पताल से। यानी कि अगले 4 से 5 मिनट या फिर मैक्सिमम माने तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिसको लेकर जो परिवार के अंदर जो है तमाम अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन बावजूद इसके अंतिम संस्कार के बाद भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। क्या जो क्योंकि पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें तो रेप की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिन 5 से 7 लोगों से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है जो कि उन दोनों लड़कियों के रूम के अंदर भी गए थे वो लड़के, उन लड़कों का क्या उनसे ताल्लुक था ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि इतने दूर किलोमीटर तक अगर गाड़ी के नीचे डेड बॉडी घसीटते हुए चली जाती है तो वहाँ पर क्यों कोई दिल्ली पुलिस का जो जवान था वो वहाँ पर नहीं पहुँचा, क्योंकि उस इलाके के कई चश्मदीदों ने कहा कि कई बार दिल्ली पुलिस को कॉल की गई। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी दिल्ली पुलिस को देना है। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा। लेकिन निदा एक एंगल और इसमें सामने निकल कर आ रहा है। देखिए जब दिल्ली पुलिस इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वहां पर कौन थे क्या था, जब उनकी सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो जवाब में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्रिंक किया था, जवाब में ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर अक्सर आया करती थी, सवाल इस चीज का थोड़ी ना है कि उनका चरित्र कैसा था, सवाल तो यही है ना कि सिक्योरिटी कहाँ थी। बिल्कुल अंशिका, देखिए वो अपनी निजी जिंदगी में क्या करती थी इस पर किसी को जाना नहीं है, सवाल यह है कि उसके साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार कौन है। अब अगर जिम्मेदार कौन है उन पर अगर आप आएंगी तो जो 5 आरोपी पुलिस ने अपनी थ्योरी के हिसाब से बताए हैं जो पकड़े गए हैं उनमें एक का जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है साफ साफ वो आ रहा है बीजेपी नेता के तौर पर। और दरअसल अगर उन साहब का पोस्टर देखेंगे उन बीजेपी नेता का तो बड़ा सा पोस्टर उन्होंने जगह जगह अपने लगा रखे हैं और उस बड़े से पोस्टर में आपको वो उनका ही चेहरा सबसे बड़ा नजर आएगा और ठीक उनके चेहरे के ऊपर आपको नजर आएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उस पोस्टर में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में आपको नजर आएगा चेहरा देश के गृह मंत्री और आपको बताने कि अमित शाह का जिनके ऊपर पूरा जिम्मा है दिल्ली पुलिस का, वो भी उस पोस्टर में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस अपने ही नेताओं को अपने ही लोगों को शायद देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ये मैसेज देने में नाकाम रहे कि बेटी को आपको बचाना है तभी बेटी पढ़ पाएगी, क्योंकि अगर बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे। तो ये जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है बेहतर होगा कि इस नारे को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं को कहो कि वो अमल में लेकर आए, उनसे कहो कि बेटी को वो हिफाजत करे। कैसे एक बीजेपी के नेता उस वक्त गाड़ी में मौजूद था, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और बड़ी आसानी से आके आपने ये कह दिया कि हम शराब के नशे में चूर थे, हम नशे में चूर थे, हमें पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया। लेकिन जो सड़कें जिन सड़कों पर घसीटा गया है अंजलि को, उन सड़कों पर आज हम यहाँ पर न्यूज इंडिया पहुंच रहा है चल रहा है, वो सड़कों की हालत ऐसी अंशिका कि स्कूटी चला पाना मुश्किल हो रहा है, गाड़ी का निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतने अड्डे घटे हैं वहां पर कि आसानी से गाड़ी भी वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। तो कैसे कोई किसी की पूरी लाश किसी की पूरी बॉडी गाड़ी में फंसी हो सकती है और कैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि उनकी गाड़ी में कोई चीज फंस गई है। सवाल यह है कि या तो सब कुछ मैनेज पहले से हो गया। हाँ निदा बिल्कुल ठीक कह रही है कि कुछ राज ऐसे हैं जो पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है और सवाल यही है कि आखिर क्यों क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है। नमित आश्चर्य तो इस बात से है कि अभी दिल्ली में जब चुनाव थे तो सब दिखाई दिए, सब आ गए दिल्ली, इधर उधर हर राज्य से हर कोई प्रचार प्रसार कर रहा था, हर कोई अपनी बात रख रहा था। लेकिन इस मामले पर बात जब बेटियों की आई, सवाल जब बेटियों के लिए उठ रहे हैं तो हर कोई चुप क्यों है।
देखिए बिल्कुल, ये अंशिका बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन न्यूयॉर्क की रात थी। ऐसे में तो दिल्ली पुलिस को और ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक दिन पहले ही अगर हम 30 दिसंबर की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 20,000 से ज़्यादा जवान दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, तो आखिर वो जवान उस वक्त कहाँ थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस बात का जिक्र हमारी सहयोगी निदा ने में किया कि आखिर उस लड़की के अपने पर्सन क्या रिलेशन थे, उस पर नहीं जाना है। खबर इस बीच आ रही है, बता दें उसके बाद आपसे जानकारी लूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ी बड़ी खबर, मृतक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चोट के निशान नहीं है, घसीटने दुर्घटना से शरीर में घाव और चोट के निशान है, सिर, रीढ़ की हड्डी और पैर में भी चोट लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि सेक्सुअल असॉल्ट जैसी कोई चीज सामने नहीं है, बल्कि सिर, रीढ़ की हड्डी और पैर में चोट लगी है और घसीटा गया है। नमित, देखिए बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है क्योंकि सुबह ही अगर हम 2 बजे के बाद की बात करें तो हमारे सूत्रों ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर रेप की पुष्टि नहीं की गई। हालांकि जो बाद में लड़की की तस्वीरें सामने आई थी इस घटना के बाद, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि लड़की के ऊपर से मांस पूरी तरीके से हट गया, और वही चीज़ें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आने लगी है कि लड़की के जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, टूट गई। इसके अलावा जो रेप की पुष्टि है वो नहीं की गई है क्योंकि कल से लगातार जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा था कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है। हालांकि उसका इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो अब आ गई है जिसमें कहा गया है कि रेप नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैं अंशिका की तस्वीरें दिखा दूं, ये बेहद जरूरी हो जाता, हलचल जो है वो बढ़ गई है, यानी कि जो डेड बॉडी है वो किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकती है। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है, यहां पर तमाम जो मीडियाकर्मी थे उनको भी थोड़ा सा साइड कर दिया है क्योंकि इसी रास्ते से जो एम्बुलेंस है वो यहां पर पहुंचेगी, यानी कि अगले कुछ मिनटों के बाद यहां पर डेड बॉडी जो है वो पहुंचने वाली है। इसीलिए यही वजह है कि यहां पर जो दिल्ली पुलिस की हलचल है वो थोड़ी सी तेज हुई है। तो इंतजार है बुड़ी का, लेकिन जो सवाल आपने उठाया और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हुआ है कि रेप की पुष्टि नहीं की गई है, इसको हमने 1.5 घंटे पहले ही हमने क्लियर किया था कि जो पोस्टमार्टम की सरकार पूरा मैनिफेस्टो लेकर बैठ जाती है कि स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, कैमरा लगाए जाएंगे, वाईफाई लगाए जाएंगे, बेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा। जब मुनिरका की जब घटना सामने आई थी तो कई वादे किए गए, कहां गए वो वादे? हमें क्यों नहीं मिल रहा है प्रूफ, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि उस वक्त सड़कों पर क्या हुआ? देखिए बिल्कुल अंशिका, यही वजह है कि पिछले 1 साल में जो दिल्ली का क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके ऊपर सोचना होगा, समझना होगा, चाहे विपक्षी पार्टियां हों या फिर सत्ताधारी पार्टियां हों। कल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी LG हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है दिल्ली में। ऐसे में तमाम जो CCTV कैमरेज लगाने के वादे किए गए थे, क्या उस रोड पर कितने CCTV कैमरे लगाए गए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि निर्भया कांड के बाद कई ऐसे बड़े फैसले केंद्र सरकार ने किए थे बेटी बचाओ के लिए, लेकिन उसमें आखिर कितना काम हुआ? क्योंकि ये जो पूरी रोड है जहाँ पर इस लड़की को घसीटा गया, डेड बॉडी को, तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर उस पूरे रास्ते पर क्या कोई पुलिस की पिकेट नहीं लगी हुई थी? कितने जवान उस पूरे रास्ते पे थे? क्योंकि आज जो 5 प्रमुख मांगे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लेटर लिखा गया, एक डेलीगेशन सुबह हमने देखा कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनसे आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन मिलने के लिए गया, उसमें जो 5 मांगे रखी गई थी उसमें भी इसी बात को कहा गया था कि उस पूरे रास्ते में जितने भी पुलिसकर्मी आते हैं उनको सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ जो उस इलाके के DCP हैं उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड करने की तो मांग उठ रही है, लेकिन निदा सिर्फ सस्पेंड करने से ही तो बात नहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सवाल ये भी है कि उस लड़की का खून इतना ज्यादा बहा कि उसकी मौत हो गई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है। दूसरा सवाल ये भी है कि दिल्ली पुलिस बहुत अपने बड़े बड़े दावे करती है कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दिया, बड़े VVIP जगहों पर हमें देखते हैं कि बैरिकेडिंग लग गए हैं, उन बैरिकेडिंग की वजह से, चेकिंग की वजह से लंबे लंबे जाम लग जाते हैं निदा, लेकिन न्यू ईयर के दिन ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आज भी कई जगहों से जानकारी मिल रही है कि बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर लाइट तक नहीं है, अंधेरा छाया रहता है रात में, ना पेट्रोलिंग होती है पुलिस की। सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है निदा। तो निदा हमारे साथ नहीं जुड़ी है, लेकिन नमित जिस तरीके से अभी मैं सवाल निदा से कर रही थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं दिल्ली के आज भी जहां पर अंधेरा छाया रहता है, पुलिस पेट्रोलिंग करने जाती ही नहीं है, आखिर इन सारी चीजों का रिपोर्ट लेता कौन है? रिपोर्ट लेता है भी कि नहीं कोई? सवाल ये।
देखिए बिल्कुल अंशिका, ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि दिल्ली का क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को 11 बजे के बाद काफ़ी सुनसान सड़कें हो जाती हैं, वहां पर महिलाओं का निकलना काफ़ी असुरक्षित माना जाता है। जिस रोड पर यह हादसा हुआ है, कंजावला से सुल्तानपुरी की रोड है, वो रोड भी वैसी ही है। कल मैंने कुछ गाँव वालों से वहाँ पर जाकर बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि रात के 11 बजे के बाद कोई पुलिसकर्मी, कोई PCR वैन इस सड़क पर नहीं गुजरती है। इसके अलावा, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर कई ऐसी सड़कें हैं, चाहे द्वारका की बात करें या फिर नजफगढ़ के इलाकों में आप चले जाइए, जो कि आउटर दिल्ली के अंदर जो गांव पड़ते हैं दिल्ली के, उनके अंदर कई ऐसी सुनसान सड़कें हैं जहां पर रात को अभी भी जो महिलाएं हैं बाहर निकलने के अंदर अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती हैं। तो ये हालात आखिर दिल्ली के सुधरेंगे कब, कब? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर महिला कितने देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और कितने समय में अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए यही तस्वीर मैं अंशिका दिखा रहा था कि यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो अब तेज हो गई है, यानी कि अगले कुछ मिनटों के बाद, यानी कि कभी भी यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच सकता है। एम्बुलेंस के आने के लिए जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया गया है, कुछ ही मिनटों के बाद पार्थिव शरीर लेकर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचेगी, जिसको लेकर घर पर अगर हम बात करें तो अंतिम संस्कार की तमाम जो तैयारियाँ हैं वो परिवार वालों ने पूरी कर ली है। जैसे ही एम्बुलेंस पार्थिव शरीर लेकर यहाँ पर पहुँचेगी उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। यहाँ से पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जाएगा जहाँ पर क्रियाक्रम किया जाएगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जो है पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल तो इंतजार है कि कितनी देर में यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस की जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं, उनका दिखा रहे हैं और लगातार अभी भी जांच जारी है इस पूरे मामले में, आखिर कब क्या हुआ क्या नहीं, और अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कर रही है। आला के सवालों के घेरे में यहाँ पर पुलिस है जिसका इंतजार अभी बाकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए।